पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक व्हाट इज लॉ अर्थात कानून क्या है इसके बारे में संक्षेप में बतलाऊंगा। लॉ की व्याख्या करना कोई आसान नहीं है। लर्न अबाउट द फंडामेंटल ऑफ लॉ, कंसेप्ट ऑफ लॉ, केसेस, स्टेट्यूट, एसेंशियल जो स्किल्स होती हैं, इंटरेस्टिंग ये सब्जेक्ट है। इसमें रूल्स, रेगुलेशन, डे टू डे लाइफ में जो हमारे जीवन में उपयोगी होते हैं वो सारी बातों का ज्ञान ये कानून कराता है। नीड्स ऑफ लॉ ऑनलाइन, जैसे परचेज हम करते हैं ऑनलाइन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इसके लिए बनाया गया है जिसमें जो भी कंज्यूमर है उसके राइट्स क्या हैं, कोई डिफेक्टिव मटेरियल वो सब बतलाया गया है। रूल्स ऑल द टाइम, लॉ इज ए सिस्टम ऑफ रूल्स। यूके में पार्लियामेंट लॉ बनाती है, हमारे यहाँ भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में तीन बॉडीज अलग अलग दी गई हैं। लेजिस्लेचर का कार्य है कानून को बनाना, जुडिशरी का कार्य है उसका इंटरप्रिटेशन करना, तथा एग्जीक्यूटिव का कार्य है उसका एनफोर्स कराना, लॉ को एनफोर्स कराना। फॉर्मेशन ऑफ जो लॉ होता है वो इट इफेक्ट द सोसाइटीज इन वेरियस वेज, मतलब ये समाज पे हर तरह से कानून या विधि प्रभाव डालती है। लीगल सिस्टम में पार्लियामेंट इज ए सुप्रीम एंड लॉ मेकिंग एजेंसी, संसद का कार्य कोई भी कानून बनाना है, कोडिफाइड लॉज, स्टेट्यूट्स वगैरह, सेट ऑफ रूल्स। कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में हमारे भारत का एक जो संविधान है जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, सारे जो भी कानून बनाए जाएंगे वो संविधान के परिप्रेक्ष्य में होंगे तथा संविधान के मूल आत्मा के को ध्यान में रखते हुए बनाए जाएंगे। कोई भी कानून जो संविधान के अगेंस्ट होगा वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जा सकता है और ये कार्य हमारी जुडिशरी करती है। सेट ऑफ रूल्स कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में ह्यूमन लाइफ जिससे स्मूथ चले, प्रोटेक्शन ऑफ बिजनेस, बिजनेस को भी प्रोटेक्शन मिले, वर्ल्ड में पीस बनी रहे, कीप ऑर्डर, लॉ एंड पीस बनी रहे। मैंने लॉ एंड ऑर्डर के बारे में भी एक अलग से वीडियो बनाया है जिसे आप देख सकते हैं। लॉ कैन बी एंड मस्ट बी डायनामिक, डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ, आदमी की बनी रहे, जीवन अच्छे से सुचारू रूप से चले, प्रत्येक व्यक्ति कानून और विधि का पालन करे। डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ के अंदर कुछ सिस्टम में रूल्स भी बनाए गए जैसे रूल ऑफ लॉ, प्रत्येक व्यक्ति, नो वन इज अबव द लॉ, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति विधि के अधीन है, और एवरी वन एक्सरसाइज इज राइट्स विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। संविधान में कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं जो हर व्यक्ति को प्राप्त हैं, जिनके अगेंस्ट यदि किसी तरह का वायोलेशन होता है तो वह आर्टिकल 32 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में तथा आर्टिकल 226 में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट फाइल करके अपने वैधानिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए रिट जारी करा सकता है। सड़क पर चलते समय जैसे क्रॉस जेब्रा होता है उसको पार नहीं करना है, रोड पर स्पीड लिमिट निश्चित है, यदि उसको उसका वायोलेशन करता है तो वो फाइन आदि से पनिश हो सकता है। इसी प्रकार पार्लियामेंट इनेक्ट द लॉ स्टेट्यूट्स, एवरीवन शुड बी ड्राइव एंड कोई भी रोड पर जो भी आदमी चलेगा रीजनेबल स्पीड में उसको चलना होता है, वो क्रॉस जेब्रा आदि का उल्लंघन करेगा तो वो फाइन से दंडित हो जाता है। एग्जीक्यूटिव का जो भी कार्य है वो कोई भी लॉ जो बनाए गए हैं विद इन द परव्यू ऑफ अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन उसका पालन करना है। जुडिशरी का कार्य है इन सब पे चेक बैलेंस, जुडिशियल रिव्यू आदि किसी भी चीज का करना तथा इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ, विधि की व्याख्या करना। इस प्रकार डेफिनेशन ऑफ इज लॉ इज नॉट इजी टू डिस्क्राइब, उसे विधि की जो परिभाषा है उसको डिस्क्राइब करना आसान नहीं है। मैंने उसके इंटरप्रिटेशन अलग अलग दिए गए हैं। ये रेगुलेटिंग बिहेवियर, जो भी व्यवहार आदमी का समाज में होना चाहिए उसको नियंत्रित करता है। बेटर अप्रोचेस बनी रहे, सेट ऑफ रूल्स जो भी बने हैं, नियम है लीगल सिस्टम में, इट्स फंक्शन लॉ ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पुलिस का कार्य और एग्जीक्यूटिव का कार्य है। कीप ऑर्डर इन सोसाइटी, सोसाइटी में, समाज में शांति बनी रहे। इनेबलिंग द पॉलिटिकल सिस्टम को मैनेज करना, मैरिज आदि परफॉर्म होते हैं जो भी सिस्टम है उन पे भी हर तरह के लॉ हर पॉइंट पर बनाए। कैन द गवर्नमेंट जस्टिफाइड एक्शन, गवर्नमेंट के जो एक्शन है उनको जस्टिफाई करना भी लॉ का कार्य है। लॉ कैन एंड मस्ट बी डायनामिक, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, प्रत्येक व्यक्ति को कानून के समक्ष समान अधिकार दिए गए हैं। इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ नो वन इज अबव द लॉ। तो इस प्रकार कुल मिलाकर विधि से संबंधित
मैंने ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य शुरू में ही मुझे इस वीडियो को बना देना चाहिए था। इंटरेस्टिंग ये सब्जेक्ट है, डायनेमिक है, और व्हाट इज लॉ, मैंने जैसा कि बताया कि लर्न अबाउट दी फंडामेंटल्स ऑफ लॉ, कंसेप्ट ऑफ लॉ, केसेस, स्टेट्यूट, एसेंशियल स्किल। कोई भी व्यक्ति जब कानून की जानकारी रखता है, जैसा कि मेरे इस चैनल का उद्देश्य पैरामीटर ऑफ लॉ का, उसको भारत के कानून को जानना ही चाहिए। यदि आपको कानून की जानकारी होगी तो आप अपने वैधानिक अधिकारों को समझ सकेंगे। कोई व्यक्ति अपने आपके अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बिहेवियर और कंडक्ट को भी रेगुलेट करता है। डे टू डे लाइफ में जो नीड्स ऑफ लॉज हैं, आजकल तो हर काम ऑनलाइन और इंटरनेट का युग है। मैंने बहुत से ऐसे वीडियो इस चैनल पर बनाए हैं जो आपके लॉ रिलेटिंग वीडियोज हैं। आम आदमी, नागरिक, एडवोकेट्स, लॉ के स्टूडेंट्स तथा डेली रूटीन लाइफ में ये सभी वीडियोज काफी इंपॉर्टेंट सिद्ध होंगे। इस प्रकार लीगल सिस्टम में तीन तरह की जो एजेंसी हैं, पार्लियामेंट का कार्य, पार्लियामेंट इज सुप्रीम लॉ मेकिंग एजेंसी, एग्जीक्यूटिव का कार्य उस लॉ को एनफोर्स कराना, तथा जुडिशरी का कार्य है उस लॉ का इंटरप्रिटेशन करना। जैसा कि हमारे यहाँ एपेक्स कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट लॉ ऑफ द लैंड एज आर्टिकल 141-142 में ये व्यवस्था दी गई है कि उनके द्वारा कोई भी कानून की व्याख्या करने के बाद जो भी लॉ ऑफ द लैंड बनाया जाता है वो संपूर्ण भारत के लोगों पर लागू होता है, तथा लेजिस्लेचर, विधायिका तथा एग्जीक्यूटिव तथा अन्य जो भी सोसाइटी के अंग हैं सभी के ऊपर बाध्यकारी प्रभाव, बाइंडिंग इफेक्ट रखता है। तो इस प्रकार मैंने ऑल अबाउट दी लॉ को संक्षेप में आपको बताने का प्रयास किया। आशा करता हूँ मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और कृपा करके यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल पैरामीटर ऑफ लॉ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसको यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाले नए नए नोटिफिकेशन और जानकारियाँ मिलती रहेंगी। और इसको जितने भी आपके साथी, दोस्त, परिचित, मित्र, समाज के लोग हैं अवश्य भेजें, जिससे कानून की जानकारी और बारीकियों को प्रत्येक भारत का नागरिक सुने और समझे। यही उद्देश्य है मेरा इस वीडियो को बनाने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार मित्रों।